गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे और उसका फॉर्मूला हमको देखना है किस तरीके से हम लोग इजी तरीके से आसानी से उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, कैसे उसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए होता है क्या ना, डिफरेंशिएशन में लगभग 20 फॉर्मूला है। अब डिफरेंशिएशन का अगर 20 फॉर्मूला देखेंगे प्लस इंटीग्रेशन का 20, आपके पास इस टाइप से बहुत सारा फॉर्मूला हो जाता है, 40 फॉर्मूला। उसमें से क्या होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट है, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसके चलते ना कभी कभी चेंज हो जाता है। कभी कभी जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, कभी कभी हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स बच्चे क्या करते हैं 1/x लिख देते हैं। तो इस टाइप से कन्फ्यूज नहीं रखना आपको, उसको एक तरीका से उसको समझना, एक तरीका से उसको याद करना, ताकि वो जो कन्फ्यूज होता वो नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन कमन है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec square x। उसी टाइप से अगर कभी कभी बच्चे को पूछ देंगे ना स्पीड में, किसी को भी आप पूछ के देखिएगा, मतलब थोड़ा उस टाइप से नहीं, थोड़ा लो लेवल के स्टूडेंट या मीडियम लेवल के स्टूडेंट को अगर उसको पूछिएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तुरंत आंसर दे देगा sec square x। बट उसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ log cos x या log sec x प्लस ऑफ c। तो ये जो डिफरेंट है इस चीज़ को आप कैसे याद रखेंगे, क्या उसमें क्या उपाय, क्या आप उस टाइप से यूज करेंगे ताकि वो फॉर्मूला आपको कन्फ्यूज ना करे, तो उसके लिए आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। आज देखिए हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है रिड्यूस करना, ठीक है, किसी फंक्शन को रिड्यूस जिसमें करते हैं, जिसमें हम लोग किसी फंक्शन को छोटा बनाते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन को उसको छोटा करते हैं, ठीक है, छोटा करना यानी रिड्यूस करना। इसका हिंदी मीनिंग होता है अवकलन, ठीक है, उसी टाइप से रिड्यूस करते, किसी भी फंक्शन का जब हमको रिड्यूस करने के बारी आती है उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा रिड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ता, कभी कभी इस टाइप से कुछ मटेरियल मिलता है मुझे, कुछ ऐसा फंक्शन मिलता है जो बड़ा फंक्शन का मुझे काम ही नहीं है, तो उसको हम लोग छोटे फंक्शन चेंज करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, लार्ज कर देंगे, ठीक है, फिर उसका बड़ा फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको इस टाइप से थोड़ा समझा देते इसका यूज क्यों है, इसको पढ़ते क्यों, ठीक है, बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, थोड़ा सा एक एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई इस टाइप से हमको इस टाइप से कोई एक शेप दे दिया, ठीक है, आपको बोला ना कि इस टाइप से जो शेप है, ये जो फंक्शन है, एक फंक्शन का ये क्या है ग्राफ है, एक फंक्शन का ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग है इसका आपको एरिया फाइंड करना। आप बताओ इसका एरिया का फॉर्मूला जानते हैं क्या, नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर इस टाइप से हर ड्राइंग का हर शेप का अगर फॉर्मूला पढ़ते रहेंगे ना, तो हमारे पास इतने सारे फॉर्मूला होंगे कि हम लोग फॉर्मूले ही फॉर्मूले देखेंगे जहाँ भी देखेंगे, तो चलिए मैं तो टॉप हो जाएगा। तो क्या होता है इसको हम लोग छोटा बनाते हैं, इसको एक काट लेते हैं, स्ट्रिप काट लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से पतला से स्ट्रिप काट दिए, ठीक है, तो पतला से स्ट्रिप काट दिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको एक इस टाइप से दिखेगा कि नहीं, रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा, नहीं तो इसको सिलेंडर बोले, सिलेंडर टाइप का दिखेगा, कुछ भी बोल सकते, 2D होगा या 3D, मतलब इस टाइप से दिखेगा। इसका एरिया क्या होगा, ये एल, ये बी है, इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, और ये छोटा सा शेप हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, छोटा सा काट दिए, मतलब जो बड़ा फंक्शन था उसको हम लोग छोटा कर दिए, रिड्यूस किए, कैसे रिड्यूस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप लोग ऑलरेडी देखते हैं, देखिए अगर स्पीड का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, स्पीड इज चेंज इन डिस्टेंस अपन चेंज इन टाइम, वो चेंज क्या, चेंज कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, तो टाइम के हिसाब से उसका डिस्टेंस में क्या चेंज हो रहा है, वो जो चेंज है वो उसको चेंज कर रहे, छोटा बना रहे, वो भी तो डिफरेंशिएशन ही है, उसको भी क्यों, कहाँ से डिवाइड हो, डिफरेंशिएशन से ही तो डिफाइन किया गया। अब देखिए कभी कभी चेंज के लिए डेल और ट्रेंगल टाइप का शेप लिखते हैं, कभी कभी डी भी लिखते हैं, तो चलिए डिफरेंशिएशन मतलब क्या, छोटा कर देगा, इसको छोटा कर देंगे तो इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा चीज का एरिया आ जाएगा, मतलब किसी भी शेप का हम लोग इस टाइप से एरिया फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दैट मींस कैलकुलेशन। तो अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक फॉर्मूले, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, कितना फॉर्मूला है, किस टाइप से उसको हम लोग जल्दी से याद रखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं,
जो लोग हमारे चैनल में न्यू है उन लोग से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो 12th और 11th का जो मैथमेटिक्स का क्लासेस होती है पूरा बेसिकली आपको समझाया जाता है, पूरा बेसिक से आपको पूरा चीज डिटेल्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है, उसको बताया दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन का फॉर्मूला देखते हैं। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n अपॉन dx, क्या होता है n x का पावर n माइनस 1। देखो डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस यानी छोटा करना ना। छोटा कैसे करेंगे, जैसे किसी फंक्शन x का पावर 9 है या x का डिग्री 9 है तो उसको हम लोग छोटा करने का मतलब क्या हुआ, x का डिग्री 8 करना होगा ना, कम करना होगा ना। तो क्या करते हैं, जो भी उसका जैसे मान लेते हैं x का डिग्री 9 है इसका जैसे छोटा करना रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो इसका डिग्री क्या होगा, घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, पता ही अगर बढ़ेंगे तो उसको तो इंक्रीज बनेगा ना, तो रिड्यूस करना छोटा करना x का पावर 8 होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये n था उसका पावर तो पावर से घटेगा मतलब रिड्यूस हो रहा है। देखिए सब जो पावर था वो सामने मतलब क्या होगा, जो पावर था वो सामने आएगा पावर से घटेगा, जो पावर था वो सामने आएगा पावर से घटेगा। ठीक है, जो पावर था वो सामने आ जाएगा एम सामने आ जाएगा पावर से घटेगा, ये होता है फर्स्ट फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसका एप्लीकेशन इस टाइप x का पावर 9 होगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 9 x का पावर 8। देखिए ये जो 9 है ये कांस्टेंट टर्म है, बेसिकली फंक्शन है ना, फंक्शन में डिग्री घट रहा तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, दैट मींस क्या होता है रिड्यूस करना। सेकंड फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x अपॉन dx, e का पावर x का क्या होता है, e का पावर x होता है क्या, e का पावर x जो है ना वो जीती होती है, e का पावर x क्या है जीती है, जीती दैट मींस क्या होती है कि ये इतना जीती है ये चेंज ही नहीं होना चाहता, ना ही बड़े होंगे मतलब जब ना इसको इंक्रीज कर सकते हैं ना ही इसको छोटे कर सकते हैं, ठीक है रिड्यूस कर सकते हैं। ये बोले ना कि हम जितना है उतना ही मैं खुश हूँ, छोटा भी नहीं कर सकता बड़े भी नहीं कर सकता, दैट मींस ये बहुत जिद्दी है, इसका डिफरेंशिएशन भी इतना ही होता। आगे जाके इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, उस कंडीशन में देखेंगे e का पावर x का क्या होगा, e का पावर x ही होगा, क्यों, क्योंकि e का पावर x जिद्दी है। ठीक है, उस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं। आगे देखिए थर्ड नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x अपॉन dx, a का पावर x का कितना होता है a का पावर x रो। अच्छा आप कैसे पता चलेगा, इसमें देखिए x का पावर n है और ये a का पावर x है, दोनों में डिफरेंट क्या डिफरेंट है, जैसे x का पावर 9 है इस टाइप से होगा, अगर 9 का पावर x है, 9 का पावर x है तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल और ये है कांस्टेंट, यहां पर नीचे कांस्टेंट ऊपर में वेरिएबल, तो क्या होता है कि a का पावर x वाला फार्मूला होगा, इसका फार्मूला क्या होता है a का पावर x जो होता है वही वाला, फिर लोग a a मतलब 9 एक जो नहीं लिखा हो, चलिए क्वेश्चन को तो बाद में बात करेंगे, पहले हम फॉर्मूला देख रहे हैं। इस टाइप से जब नीचे कांस्टेंट होगा ऊपर में जब वेरिएबल होगा देन हम लोग इस टाइप से फॉर्मूला यूज करेंगे a का पावर x एंड log a। आगे अगर देखेंगे तो फोर्थ फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 / x, log x का डिफरेंशिएशन 1 / x, log x क्या log है तो वो जो लोग है ना, तो देखिए लोग x तो हम लोग नहीं बोलते लोग, लोग यानी क्या जो अपने पर नहीं होता जो दूसरा है। ठीक है, तो लोग क्या करता है ना उसके साथ x करता है, लोग वो अपने पास नहीं रखता उसको मतलब क्या करता है दूसरा बना देता है, दूसरा मतलब क्या ऊपर x था उसको नीचे कर देता है, तो 1 / x उसको क्या कर दिया लोग, तो दूसरा लोग तो उसको अपना ग्रुप में नहीं रखा बाहर कर दिया, अपना ग्रुप में तो ऊपर में रखना चाहिए था उसको क्या कर दिया नीचे कर दिया, या हम लोग सर सकते डायरेक्ट 1 / x होता लोग x। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अच्छा कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है जिसमें x नहीं होगा, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं रहेगा वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा उसको अगर हम छोटा करेंगे ना तो वो पूरा का पूरा छोटा हो जाएगा, मतलब क्या होगा जैसे कांस्टेंट टर्म वाले तो पाई 7 7 2 3 4 5 ये सब कांस्टेंट है, जैसे 7 अगर 7 को छोटा करेंगे क्या 7 को छोटा कर सकते हैं, छोटा 7 लिखेंगे, अच्छा छोटा 7 मतलब भी तो 7 ही होता भाई, इसलिए बोलते हैं इसको छोटा नहीं करना, अगर इसको छोटा करने बोलेगा ना आप 0 बना दो, जैसे पाई पाई के वैल्यू 3.14 होता है, यहाँ पर भी देखिए यूरोप में भी देखिए अमेरिका में देखिए हर जगह में पाई का वैल्यू 3.14 ही होता है, तो ये कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम लोग 0, मतलब उसको और छोटा नहीं कर सकते, छोटा पाई लिखेंगे फिर भी तो उसका वैल्यू 3.14 ही होगा ना, तो बोलते नहीं उससे वैसे छोटा नहीं करते, छोटा को पूरा छोटा कर दिया
सबसे छोटा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर में जीरो आता है, सबसे छोटा कर दिया। चलिए अभी आता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, ये तो याद रह जाएगा कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, साइन का कोस, कोस का साइन, ये तो अपने ये तो अपने ही आप याद हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, कोस का साइन, माइनस वाला कहानी आते हैं हम लोग बाद। एट नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक्स का एक्स, थोड़ा सा डिफरेंट है इसको याद करना ही पड़ेगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन डिफरेंशिएशन ऑफ कोटेक्स, कोटेक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स का एक्स, देखिए एक तो sec square x हुआ, देखो cosec square x होगा क्योंकि हम लोग बचपन में 10 में नहीं पढ़े थे, 1 plus tan square theta है, चलो sec square theta, 1 plus cot square theta, cosec square theta, cot का अच्छा रिलेशन cosec के साथ होता है और tan का रिलेशन sec के साथ होता है, तो tan का sec square तो cot का cosec square, formula number 10 differentiation of sec theta, तो sec का रिलेशन किसके साथ होता है tan के साथ, तो sec x tan x, उसी टाइप से 11th में देखेंगे differentiation of cosec, तो cosec का रिलेशन किसके साथ अच्छा होता है cot के साथ, नहीं cot के साथ cosec का, तो ये हो जाएगा cosec x into cot x। हाँ फिर आप बोलोगे माइनस, ये माइनस वाला समझ में नहीं आया, तीन जगह माइनस आया, देखिए इसको याद रखिए कैसे, साइन का cos, cos का साइन, tan का sec स्क्वायर, तो cot का cosec स्क्वायर, tan को sec के साथ अच्छा लगता है तो sec स्क्वायर cot को cosec स्क्वायर, ठीक है। आगे sec का, sec को tan के साथ अच्छा लगता है, sec into tan अपने आप जुड़ जाता है दोनों, sec और tan मल्टीपल में आ जाता है, और cosec का cot के साथ अच्छा लगता है, cosec into cot, ठीक है। तो ये तब ना बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे, 1 plus tan square theta equal sec square theta, यहां पर भी लिखे tan और sec अच्छा लगता है, इन लोग को मिक्स अच्छा लगता है, उसी टाइप से 1 plus cot, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta, देखिए जो मैंने बता रहे थे उसी तरीके से नहीं, आप कुछ भी तरीके कोई भी ट्रिक्स यूज कीजिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ऐसे में जैसे हम लोग रटेंगे तो उतना याद नहीं होगा, मेरा तो हिसाब है कि आप रटना नहीं है, फॉर्मूला हम रटाते नहीं, हम क्या करते जब क्वेश्चन बनाते हैं ना तो उस क्वेश्चन के बीच में उसको जितना बार यूज होगा ना उतना बार लिखते रहते हैं, आपको भी लिखवाते हैं ताकि अपने आप याद रहेगा, मैं तो रटाता ही नहीं हूँ, रटना ही नहीं है, आप क्यों रटेंगे यार, जितना रटोगे उतना भूलोगे, रटनते बिटा घटनते, ठीक है, तो रटना उतना नहीं है। तो यहाँ पर जैसे तो जिन लोगों को लिखा हुआ नहीं बहुत किसी बच्चे के, इसलिए इसको समझा रहे, जो हमारे पास नहीं पढ़ते उन लोग को भी थोड़ा आ जाए नॉलेज, इसलिए इसको बता रहे। अब देखिए यहाँ पर एक नोट्स बना के लिख लेते हैं, जो भी सीरीज से स्टार्टिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग विद सी जो भी सीरीज स्टार्टिंग है उसका डिफरेंशिएशन देखिए नेगेटिव, उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया, ठीक है, जो सी से स्टार्ट है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, देखिए cos, cos सी से स्टार्ट है ना उसका डिफरेंशिएशन क्या आया नेगेटिव आया, cot सी से स्टार्ट था नेगेटिव आया, cosec सी से स्टार्ट था नेगेटिव आया, तो नेगेटिव वाला बात समझ में आया, नेगेटिव वाला बात हम लोग कैसे याद रखेंगे, जो सी से स्टार्ट है वो नेगेटिव, अच्छा ऐसे भी याद रखें सी, ई मतलब बॉयज होता है, सी सी मतलब गर्ल्स होती है ना, सी ये वाला सी C, girls, ठीक है, तो boys positive, girls negative, नहीं electron, proton इस टाइप से हम नाम लिखते थे या something different, तो boys is positive, girls को negative, मतलब अलग अलग देना पड़ेगा ना, या आप इसे याद रखिए जहां पर भी C आएगा, C मतलब negative, क्या याद रखेंगे C आएगा तो उसका negative होगा, तीन जगह C आता है, cos में आता है, cot में आता है, cosec में आता है, तीनों में negative है, यार cos is negative, cot is also negative, cosec is also negative, ठीक है, 3 negative आया तो इस टाइप से हम लोग negative लिखेंगे। next one यार differentiation of u into v, इसको हम लोग product rule भी बोलते हैं, ठीक है, product, product मतलब क्या, multiple में ना u into v में, तो क्या होता है u बाहर में v का differentiation plus v बाहर में u का differentiation, ये बहुत अच्छा कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए दो दो भाई था, मान लेते दो भाई था, एक भाई दो भाई, एक यू था बी था, अब डिफरेंस हम तो छोटा करना ना, क्या बोला अंदर में, क्या बोला यू को बोलता तुम बाहर में रहो बी अंदर रहो, मतलब एक ही आदमी का अंदर जाना था, दो भाई था कहीं एक ऑफिस गया दोनों भाई, अब क्या बोला ना कि ऑफिस में जो भी कलर था बोला कि एक ही अंदर जा सकते हैं, एक ही अंदर दोनों में से कोई एक अंदर जा सकता है, ठीक है, और यू और बी में इतना प्यार था कि उन लोग मतलब कोई भी
कम लेने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब कोई भी नहीं, इसको नहीं लगना चाहिए कि हर्ट होना चाहिए, मतलब जैसे हम लोग बोलेंगे ना उसको बुरा लगेगा, अगर यू बोलेगा हम जाएंगे दी तुम नहीं जाएगा भाई तो हमको खराब लगेगा, दी बोला अगर यू तुम अकेले जाएगा हम नहीं जा पाएंगे तो हम तुमको खराब लगेगा, इसे मतलब उन लोग बहुत अच्छे थे। तो उन लोग क्या किया ना, यू बोला, यू को बोला तुम बाहर में रहो, भी अंदर चला गया, ठीक है, यू बाहर में रहा भी अंदर चला गया डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है, ऑफिस के अंदर चल गया। अब क्या हुआ ना कि यू को तो छोटा कर दिया, भी तो चल, भी तो अंदर चल गया, अब तो यू को तो अच्छा नहीं लगा, बेचारे बाहर में खड़ा था, और दूसरा टाइम भी बाहर निकला, उसके बाद क्या बोलता, बोलता अब हम बाहर में रहते तुम अंदर चल जाओ, तो एक बार यू गया था एक बार भी गया था, काम कर लो। अच्छा ऐसा नहीं बोल सकते पहले यू जाएगा फिर भी जाएगा, हाँ यार मतलब इसको भी पहले लिख सकते भी कॉन्स्टेंट यू का डिफरेंस यू कॉन्स्टेंट भी, मतलब क्या करना दोनों को जाना, एक बार यू जा रहा फिर भी यू जाएगा अंदर तो भी बाहर में, फिर भी अंदर जाएगा तो यू बाहर में, ठीक है, यहाँ पर यू बाहर में भी का डिफरेंस फिर भी बाहर में यू को, मतलब एक एक करके। चलिए 30 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ यू बाय वी अपॉन डीएक्स, इसे देखिए डिवाइड में है, इसमें देखिए नीचे है ना, तो नीचे वाला को बोलते हैं तुम स्क्वायर कर जाओ, डबल कर दिए नीचे वाला की स्क्वायरिंग, फिर नीचे वाला जो भी नीचे जो नीचे उसके स्क्वायरिंग कर दिए, ठीक है, नीचे वाला स्टार्ट किया बोलता तुम बाहर में रहो हम अंदर जा रहे यू, फिर बी को बाहर में रखा यू को बाहर में रखा बी अंदर गया, हाँ लेकिन इसमें माइनस हो जाता। अच्छा माइनस क्यों हो गया, माइनस इसलिए हुआ ना क्योंकि देखो इसको तो एक्स्ट्रा दे दिया था, बी को ज्यादा दे दिया था, नीचे उसको कर दिया था डबल, नीचे स्क्वायरिंग कर दिए थे इसलिए इसमें माइनस हो गया। क्या करेंगे जो नीचे रहेगा उसको स्क्वायरिंग करेंगे, फिर नीचे वाला से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाला से स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टेंट करेंगे तो नीचे वाला से करेंगे, ठीक है, इसमें तो किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं, इसमें हम लोग बी को ही पहले रखना है, माइनस वाला करने से प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं बट माइनस में नहीं लिख सकते, तो बी को पहले लिखेंगे फिर यू का डिफरेंशिएशन, फिर यू को बाहर में बी का डिफरेंशिएशन, मतलब वही एक बाहर में दूसरा अंदर फिर दूसरा बाहर पहला अंदर, ठीक है, बात वही। 40 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्सेस अपॉन डीएक्स, साइन इनवर्सेस से क्या होता है 1/1 - x2, इसमें इनवर्स वाला का तीनों फॉर्मूले याद रखना, ठीक है, 15 में है क्या डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स x अपॉन dx, और इधर लिखते हैं थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 16 डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन dx, 17 डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x अपॉन dx, 18 डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x अपॉन dx, 19 डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x अपॉन dx, ठीक है, जहां भी ट्रिगो आएगा, ट्रिगो मतलब क्या होगा, c से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव, c यानी लड़की को जो फीमेल कैटेगरीज के आते हैं उसको हम लोग c बोलते हैं, तो जो c वाला होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, तो देखिए sin का पॉजिटिव cos का नेगेटिव, cos c से स्टार्ट था ना तो नेगेटिव, कौन सा जो साइन का था वही वाला आएगा, जो साइन का था वही सेम आएगा बट वो इस नेगेटिव सी से स्टार्ट था इसलिए वो नेगेटिव हुआ। टेन का क्या होता है 1/1 + x2, तो कोट था कोट में क्या आएगा नेगेटिव हो जाएगा, सेक का क्या होगा 1/x x2 - cos x से स्टार्ट था तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक, मतलब क्या देखिए इसमें तीन याद करना, साइन का 1/√1 - x2, टेन का 1/1 + x2 और सेक का 1/x x2 - 1, बाकी जो तीनों है सी वाला तो सी वाला चेंज हो जाएगा, देखो साइन का ऑपोजिट क्या होता है कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक, तो वो अगर पॉजिटिव था ये तो सारा कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सी से स्टार्ट तो नेगेटिव। इस टाइप से टोटल 19 फार्मूला, टोटल 19 फार्मूला, ये जो 19 फार्मूला आप इसको याद करेंगे एक दिन इसी टाइप से आपको वीडियो देंगे जिसमें से इसी फार्मूला के हेल्प से ये जो 19 फार्मूला है इसी 19 फार्मूला के हेल्प से आप लोग इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, मतलब अगर ये वाला याद है तो इंटीग्रेशन वाला याद नहीं करना होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे एक ही फार्मूला याद करेंगे या तो डिफरेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन, जिसको बहुत अच्छा से करेंगे, बाकी हम लोग यहाँ से हम लोग काम चलाओ अपना दिमाग में तुरंत उसको डालेंगे, ठीक है, तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला जिस टाइप से बताए बेसिक से आप उसी टाइप से याद करेंगे, या अगर आपके पास कोई दूसरा तरीके होते हैं मतलब कोई इससे भी इजी तरीका लगता है उससे याद कीजिए,
या मेरे हिसाब से याद करने कोई जरूरत नहीं, जितना बार फॉर्मूला यूज होगा उस टाइम उसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, जितना बार उस फॉर्मूला यूज होगा ना उस टाइम वहां पर हम लोग लिखते जाएंगे, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा, अलग से रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। सभी को बाय, इतना ही।